नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से एक दुखद खबर है। जिस महिला ने आरोप लगाया था कि आईसीयू में भर्ती रहने के दौरान उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस महिला की आज सुबह सुबह मौत हो गई। जी हां, महिला की हालत बेहद ख़राब थी। उस घटनाक्रम के बाद जो है महिला बोलने की हालत में भी नहीं थी, और एक वीडियो जो वायरल हुआ था, बेटी के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें बेटी ने आरोप लगाया था कि महिला के साथ अस्पताल कर्मियों ने गैंगरेप किया है। तो इस वारदात का जो है दुखद अंत हो गया है। इस वारदात के बाद जो महिला की मौत हो गई है आज सुबह में, और इसके बाद आपको हम बताएं कि पप्पू यादव जो इस आवाज़ को उठा रहे थे कल लगातार, उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला था। आज फिर उन्होंने एक बार सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, पप्पू यादव ने जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है, मैंने जो आशंका व्यक्त की थी वही हुआ। सीएम साहब के गांव की उस माँ को पारस हॉस्पिटल में मार दिया गया। दरअसल महिला नालंदा की थी, जो सीएम नालंदा के कल्याण विभाग की थी, जहाँ के खुद नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री के गाँव की महिला को हॉस्पिटल ने मार दिया, जैसी कि आशंका उन्होंने जताई थी। और उन्होंने बताया जिसका 89 ऑक्सीजन लेवल था, लंग्स भी बहुत कम संक्रमित था, उनको वेंटिलेटर पर चढ़ाना संकेत था कि रेप का महापाप छुपाने के लिए उनकी जान ले ली जाएगी। सब पर 302 का मुकदमा हो, सरकार टेक ओवर करे। तो पप्पू यादव ने चुनौती दी है महिला की मौत के बाद कि सरकार ने जो है सब कुछ साजिश के तहत ये किया गया, और अब सरकार इस पूरे मामले में 302 का मुकदमा करे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि महिला की जान ली गई है साजिश के तहत। महापाप जो हुआ महिला के साथ, रेप की घटना सामने आई, उसके बाद ये साजिश रची गई, महिला को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, और उसके बाद समझा जा सकता है कि महिला की मौत की साजिश पूरी रची गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। तो इस मामले में 302 का केस दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार इस पूरे मामले को टेक ओवर करे, यानी जांच करवाए इस मामले की, और इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। इसकी बात कही है पप्पू यादव ने। आपको बताएं पूरे मामले के बारे में। इस मामले में जो कथित तौर पर गैंगरेप का मामला था, महिला ने आरोप लगाया था, महिला की बेटी ने आरोप लगाया था, उसके बाद इस मामले में महिला आयोग ने भी बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा था, और पत्र लिखकर जो मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को ही पत्र लिखा था, जो रेखा शर्मा है महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने मुख्य सचिव और जिला पुलिस को अस्पताल में आवश्यक निर्देश के बारे में बताने के लिए कहा था, मांग की थी, पूछी थी, पूछा गया था, उन्होंने पूछा था महिला आयोग की तरफ से कि क्या है पूरा मामला, स्थिति स्पष्ट की जाए। हालांकि इस बीच महिला की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से अचानक तस्वीर बदली है, लगातार जो है महिला की तरफ से आरोप लगाया गया था, बाद में पुलिस भी पहुंची थी, पुलिस ने मामले की छानबीन की थी, हालांकि पुलिस मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रही थी। और इस बीच अस्पताल प्रबंधन का जो बयान आया था उसमें ये कहा गया था साफ तौर पर कि जिस तरह के जो आरोप लगाए गए हों वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये बयान जारी किया गया था। तो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज महिला की सुबह सुबह मौत हो गई है, और उसके बाद अब जो है पप्पू यादव ने फिर से सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मुझे यही आशंका थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।